नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अंदर की बात बताने जा रहे हैं कि ये जो आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा था, आर्यन खान को टारगेट नहीं बल्कि मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा था उस केस को, ताकि आम जनता का जो ध्यान है वो भटकाया जा सके किसी और विषय पर। कहाँ से ये ध्यान भटका रहे ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। अब ये आर्यन खान के मुद्दे को एक तरफ रख के और समीर वानखेड़े साहब को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि टारगेट नहीं कर सकते, इनके बस की बात नहीं है। वो कौन सी गोली, वो महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो कौन सी गोली रात में खा करके सोते हैं ये पता नहीं होता। सुबह उठ करके ही वो कुछ ना कुछ बयानबाजी चालू हो जाती है। इसके पहले संजय राउत जो सम्माननीय सांसद है वहां से, वो सुबह सुबह और दोपहर में मीडिया से बातचीत किया करते थे। अब वहां पर नवाब मलिक हैं, एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, और जिस तरह से उनकी ये बयानबाजी चल रही है उससे स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है जनता को कि ये समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। उनका जन्म का दाखला है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट खोटा है, वो मुस्लिम थे, हिंदू बन गए वापिस से, वगैरह वगैरह इस तरह के अनाप शनाप आरोप। और उन्होंने गलत ग्राउंड पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन कोटा में, रिजर्व कोटा में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, और ये सब उनका अगर सही निकला तो मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ऐसे राजनीति छोड़ने वाले बहुत सारे नेता आए, बहुत लोगों ने वादे किए, ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशन किए और आज तक किसी ने राजनीति छोड़ दी हो ये हमें आप बता दीजिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि ये पूरे चक्कर के अंदर हम आपको बता देते हैं कि आर्यन खान को पिक्चर में रखा गया, उसके बाद उसे हटा करके समीर वानखेड़े को लाया गया है। फिर उनके पिताजी कुछ चैनल्स पर, क्षेत्रीय चैनल्स पर सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, ये आर्यन इसका समीर वानखेड़े का जन्म का दाखला है, ये मेरे जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट, यानी क्या ये शोभा दे रहा है? शीर्ष अधिकारी ने 2008 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की हो, जिसने कस्टम्स का डिप्टी कमिश्नर करके काम किया हो, जिसने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम किया हो, जिसने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के लिए काम किया हो, और पिछले साल 2020 के सितंबर से वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है। ऐसे अधिकारी, इतने अपराइट और प्रॉपर इंटीग्रिटी के वो अधिकारी हैं, प्रॉपर एंड परफेक्ट कैरेक्टर, कि उन्होंने और लोगों को भी हेल्प किया है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें काम करे, भारत के हित में काम करे, भारत के जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वहां पर देश की रक्षा हो सके, यानी वो देश हित में सोचने वाले एक इंसान है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे अधिकारी जिसने 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ा दिए आज तक, अगर वो करप्ट होते तो 4 किलो पकड़ाते, 8 किलो का पैसा ले लेते, यानी छोड़ देते 8 किलो, 4 किलो रिकॉर्ड कर लेते, ऐसा तो किया नहीं। 17,000 करोड़ के जिसने ड्रग्स पकड़ाए, ऐसे अधिकारी को उसके खिलाफ जाकर के उसे टारगेट करना, उसके परिवार को, उसके माता को, उसके पिता को, उसकी बहन को और उसके पत्नी को, इस सबको टारगेट करना क्या दिखाता है? कि वहां पर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, वो चाहे कांग्रेस हो और खासकर कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या ये ड्रग लॉबी के साथ खड़ी है? ड्रग स्मगलर्स, ड्रग्स की जो तस्करी करते हैं, क्या उनके साथ खड़ी है? जो युवा पीढ़ी जिससे बर्बाद हो रही है देश की, आगे जाकर के डिफेंस फोर्सेस के लिए आपके पास जवान लोग नहीं बचेंगे, युवा नहीं मिलेंगे, क्या युवा पीढ़ी की बर्बादी के लिए कांग्रेस उनके साथ में है? क्या नवाब मलिक के साथ में? नवाब मलिक और उनकी जो एनसीपी है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और शिवसेना दोनों क्षेत्रीय दल है, लेकिन आने वाले समय में 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, 5 राज्यों में चुनाव होंगे 2022 में ही, फरवरी और मार्च के दौरान, जिसमें पंजाब वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह सब है, और इसके सिवा 2 राज्यों में नवंबर और दिसंबर 2022 में चुनाव होंगे। तो 7 के 7 राज्यों में कांग्रेस की हार निश्चित दिख रही है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और ये ड्रग लॉबी के साथ खड़े वो दिख रहे हैं, क्योंकि उनके वहां के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ये भी रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी कर ही देते हैं, वो समीर वानखेड़े के खिलाफ हो या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हो या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के खिलाफ। तो इस तरह के ये हालात हैं। अब वहां पर वो जो नवाब मलिक हैं, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और वहां के कैबिनेट मंत्री, वो कहते हैं कि अगर उनके पास कोई सही सर्टिफिकेट है तो वो हमारे सामने लाना चाहिए। भाई आप जज हो, आप चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, हाईकोर्ट के, आपके सामने लाया जाए, आप हो कौन? नाम नवाब होने से नवाब नहीं बन जाता कोई, आपके
आपकी नवा भी आपके घर में रखिए, ये सरकार में भी नहीं चलेगी क्योंकि सरकार भी सार्वजनिक है, और अगर आप मंत्री हो तो यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट हो, उस हद में आपने रहने रह करके बात करना जरूरी है। और ये बात वहां के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने अपने इस कैबिनेट मंत्री को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जनता सब देख रही है। इन्होंने यही थे नवाब मलिक जिन्होंने कहा था कि अर्णब गोस्वामी अपने आप को फांसी लगा लेंगे फ्रस्ट्रेट होकर टेंशन में आके, ये उसी तरह से समीर वानखेड़े के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि उन्होंने वहां के मुंबई पुलिस को कंप्लेंट दी है और ये बता रहे हैं सूत्रों को कि समीर वानखेड़े को बुलाया जाएगा इंक्वायरी के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं आईआरएस के सुपर सुपर क्लास वन अधिकारी हैं, उन्हें बुलाने के लिए सिर्फ उनके सुपीरियर उन्हें बुला सकते हैं, और अगर महाराष्ट्र की सरकार या उनकी कोई एजेंसी उन्हें बुलाना चाहे, उनसे बात करना चाहे, तो उन्हें केंद्र के गृह मंत्रालय से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही वो उनके साथ बात कर पाएंगे। और जब तक वहां से आदेश नहीं आता, ये न मुंबई के पुलिस के पास जा सकते हैं, न महाराष्ट्र के पुलिस के पास जा सकते हैं, और न ये इन्हें जाना चाहिए कानून और कायदे के हिसाब से। इस तरह के हालात है महाराष्ट्र में, जो उठता है वहां पर नींद से वो खुद को वहां का मालिक समझने लगता है। अब एक मराठी अधिकारी को, महाराष्ट्र काडर के अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के राजस्व विभाग, भारतीय राजस्व सेवा, उसे टारगेट किया जा रहा है, और ये मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री उसी शिवसेना के हैं जो कि मराठी का मुद्दा लेकर के चलती है, भूमिपुत्र। अब कहां गए भाई, खत्म क्या मराठी मतदान की, मतदारों की जरूरत नहीं है मतदाताओं की? वहां के मतदार मतदाता मराठी क्या देंगे इस हालत में मत? एक मराठी सुपर सुपर क्लास वन के ऑनेस्ट पूरे पूरे ईमानदार अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। 17,000 करोड़ के उन्होंने ड्रग्स पकड़ाए हैं, इंटरनेशनल ड्रग लॉबी के खिलाफ उनकी जंग चल रही है, पाकिस्तान ISI ये जो यहाँ पर ड्रग्स भेज करके यहाँ की युवा पीढ़ी को भारत के खत्म करना चाहते हैं, क्या महाराष्ट्र नहीं आता उसके अंदर? महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी क्या खत्म हो जानी चाहिए? क्या भारत में ऐसे युवा नहीं रहने चाहिए जो कि देश की सेवा कर सके, डिफेंस फोर्सेस में जाकर, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, क्या महाराष्ट्र के युवाओं ने वहां नहीं जाना चाहिए, भर्ती नहीं होना चाहिए, देश की सेवा नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसे इंसान को टारगेट किया गया, कल शायद युवा पीढ़ी बचे ही नहीं भारत की फौजों में भर्ती होने के लिए। क्या देश को खत्म कर देना है? क्या ये बात शिवसेना को मंजूर है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिंदुत्व और देश ये एक साथ चलते हैं। अब हिंदुत्व की तो बात कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के साथ है, देश हित के साथ है कि नहीं, ये भी जनता को वो जानकारी दे ही दे। कांग्रेस का तो भविष्य खत्म है, आपको बता दिया, आने वाले 7 के 7 असेंबली चुनाव में वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, हिमाचल हो, वहां तो वो हारने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो खुलम खुला दिख रहे हैं कि वो ये जो ड्रग तस्करी करने वाले लोग हैं, 17,000 करोड़ के तो पकड़े जा चुके हैं और पता नहीं कितने और पकड़े जाने हैं, लेकिन इनके साथ कांग्रेस खड़ी है, ये स्पष्ट रूप से चित्र तैयार हो चुका है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी उल्टा सुल्टा रोज बयान दे ही रहे हैं। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि ये जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, ये सही चल रही है या क्या गड़बड़ है इसके अंदर? इसकी जानकारी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए हमारे हर वीडियो के। और आपको एक और बात बता दें कि आपका जो ध्यान भटकाया जा रहा है वो क्या भटकाया जा रहा है? महाराष्ट्र के एक राजनीतिक परिवार जिनके ऊपर इनकम टैक्स की छापे पड़े थे, रेड्स पड़ी थी 70 जगह पर, जिसमें राजस्थान में कुछ होटल्स हैं, जयपुर में शायद, वहां पर भी रेड्स पड़ी थी, वो उनकी बेनामी संपत्ति, कथाकथित बेनामी संपत्ति है। इस तरह की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और जो आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग, इन्हें कई सूत्रों से कन्फर्मेशन मिली, इनके 2 पार्टनर जो कि बिल्डर हैं, रियल एस्टेट बिल्डिंग बनाने वाले, डेवलपर रियल एस्टेट, ये अंदर हैं, और अब इनकी भी शायद अंदर जाने की नौबत आ रही है। ये जो कथाकथित घोटाले हैं, इनकी जो कीमत यानी रुपयों में जो आंकड़ेवारी बताई जा रही है वो 4,518 करोड़ के ऊपर है। अगर आप हमारे पिछले 3-4 वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह भारत की जनता यानी आपके
पैसे इन्होंने बैंक से निकाल करके और खुद के यूज के लिए उपयोग के लिए इन्होंने यूज कर लिए, उपयोग कर लिया उसका, एक नाम से लोन लिया, दूसरी कंपनी में वो पैसे घुमाए, लोन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता, वो तो लोन है, बकाया वापस देना है, और दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया, वहां से कुछ और कंपनी खरीदी और किस तरह से गोल गोल घुमाया, ये पूरा जाल जो इन्होंने रचा था ये पूरा खुल चुका है। और इनके रिश्तेदारों के नाम पर जो बेनामी संपत्ति इन्होंने बनाई है, उन्हीं रिश्तेदारों के ऊपर भी छापे पड़े थे, रेड्स गई थी, इनकम टैक्स ने रेड्स की थी, तभी ये बाहर आ करके कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदार को, रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार है भाई, उन्हें आपके रिश्तेदार है, इसके लिए नहीं, आपकी बेनामी संपत्ति उनके नाम पर है, वो जब्त होने जा रही है, जो जब्त होगी वो होगी, जो बच जाएगी, जो इन्हें नहीं मिलेगी, जो आप खर्चा कर चुके उसकी वसूली आपसे की जाएगी, या फिर अगर आपने उसे हवाला करके यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके कहीं बाहर भेज दिया है तो ईडी उसमें केस दर्ज करके और आपको अरेस्ट करेगी, और यही फंदा उनके गले के नजदीक आ रहा है। इसीलिए मीडिया उस विषय में जानकारी नहीं दे, इसी वजह से इन्होंने आर्यन खान का विषय ये पेड मीडिया लुटेंस मीडिया के द्वारा पब्लिक के दिमाग पर इन्होंने छाया रखा और ये विषय छाया रहा। अब समीर वानखेड़े के बाद कुछ और विषय ये जरूर लाएंगे। किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के काफी बड़े और सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले इस तरह का बयान दिया था कि ये तो टेम्पररी सब चल रहा है, खत्म होने दीजिए, इसके बाद इनकम टैक्स की जानकारी बाहर आएगी, क्योंकि अभी वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमें जो जानकारी मिली और हमारे पास जो कागज पत्र प्राप्त हुए, कुछ चाहे कुछ न्यायालय के हो, कुछ ईडी के सूत्रों से जानकारी हो, कुछ बैंकों से कुछ जानकारी हो, उससे हमें मालूम हो रहा है कि 4,518 करोड़ की लूट की गई है, बेनामी संपत्ति कुछ नेताओं ने बनाई हुई है, और वो जो नेता हैं उनकी जल्दी पोल खुलने जा रही है। ये कितना भी जो ड्रामा है वो कर लें, मीडिया के द्वारा जनता को एंगेज रखें, लेकिन इसकी पोल पूरी खुलेगी, पर्दा उठेगा, पूरी जानकारी जनता तक पहुंचेगी। कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक वो रह नहीं गए, अब जो थोड़ा बहुत अस्तित्व है कुछ राज्यों में, शायद वो भी उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इस तरह की जानकारी हमें ग्राउंड लेवल से प्राप्त हो रही है। आप सभी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, आपको इसका कंटेंट कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपकी तरफ से कोई सूचना है, कोई जानकारी है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार आपके जो सहकारी हैं प्रोफेशन में आपके कार्य क्षेत्र में सभी के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर इंसान तक ये जानकारी पूरी तरह से पहुंच सके। सही सही जानकारी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, इसमें आप हमारी जरूर मदद कीजिएगा। ये आपसे हमारा नम्र निवेदन है, नम्र विनंती है आपके साथ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और आप हमारा वीडियो तुरंत देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।